देखो खाना किसने बेहतर बनाया है ये फैसला हम अकेले नहीं लेंगे, तुम सबको भी चक्कर बताना पड़ेगा कि किस बहू ने बेहतर खाना बनाया। लेकिन याद रहे आखिरी फैसला हमारा ही होगा। नीलम बहू सबको खाना दो। सोना बहू तुम भी पहले औरों को परोस दीजिए। बताओ किसका खाना बेहतर था, नीलम बहू का या सोना बहू का? और ध्यान रहे ईमानदारी से बोलना है, सबको सच बताना है कि किसका खाना अच्छा है। हम जानते हैं कि ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि किसके हाथ का खाना बेहतर है, सोना बहू का या नीलम बहू। अब मीठे की बारी है, सबको मीठा खिला दो। ऐसा हलवा तो कोई बना ही नहीं सकता। इतना उछलो मत बिंदिया बहू, अभी सोना बहू का भी मीठा चख के देखो फिर बोलो। खिलाओ इनको।
तो क्या कहते हो तुम सब, किसके हाथ का बना हुआ मीठा ज्यादा स्वादिष्ट है, नीलम बहू का कि सोना बहू का? भाभी देखिए, ये कहना कि किसके हाथ का खाना ज्यादा अच्छा है बड़ा मुश्किल है। बहुत बढ़िया खाना बनाया दोनों ने। बहुत बहुत ही बढ़िया खाना दोनों ने बनाया है। बहुत लजीज, बहुत बढ़िया। अम्मी, ये बाल तो सोना के बनाए गाजर हलवे से निकला। मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं, ये होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। खाना बहुत अच्छा बनाया बेटी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं देवर जी, ये एक प्रतियोगिता है और प्रतियोगी को पता रहना चाहिए कि छोटी सी गलती का क्या मायने होता है। एक छोटी सी गलती पर हार और जीत का फैसला निर्भर करता है। सबसे बेहतर खाना बनाएगी वही बहू फैसला लेगी कि हमें घर बेचना है या नहीं। नीलम बहू। जी मम्मी जी। तुम जीत गई। इस घर को लेकर तुम्हारा क्या फैसला है नीलम बहू? मम्मी जी, हम इस घर को बेचना चाहते हैं। नीलम बहू, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हम ये घर बेचने को तैयार हैं।
मनोहर, उधम, कन्हैया, छत पे ज्यादा तेज मत दौड़ना। सुनैना, जरा सुनो तो। मम्मी जी, पोस्ट ऑफिस विभाग में मेरा सिलेक्शन हो गया। मम्मी जी, हमारा इंजीनियरिंग का रिजल्ट आ गया। मम्मी, मम्मी जी, अरे देखो आपका कन्हैया बेटा पुलिस अफसर बन गया। आप किसी चीज की चिंता मत करें, मेरा प्रमोशन हुआ है तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ेगी। अगली बार से मैं 5,000 रुपए और भेजा करूंगा छावनी से। अब कहने को क्या बचा है सोना बहू? अब तो तुम्हें डांटने को, तुमसे गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं रह गया। हमने तुम पर भरोसा किया था, तुमने हमारा भरोसा विश्वास तोड़ दिया। लेकिन मम्मी जी, वो सोना जी ने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की। सोना जी ने इससे भी बड़ी मुश्किल में अपनी तरकीब से सबको खुश रखा है और घर के सारे काम किए हैं। ये तो बस एक छोटी सी गलती की वजह से। छोटी सी गलती? इसकी छोटी सी गलती की वजह से आज हमारा पूरा परिवार बिखर गया। इसकी गलती की कीमत है हमारा ये घर, बिखर गया हमारा इसकी एक छोटी सी गलती की वजह। तुम्हारी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। सोना बहू, चली जाओ यहां से, हमें अकेला छोड़ दो। दो चार दिन जो इस घर में बचे हमें शांति से बिताने दो। मम्मी जी, लेकिन वो चले जाओ, अकेला छोड़ दो हमें। मम्मी जी, नीलम ही जीतेगी। और नहीं तो क्या, नीलम भाभी के हाथ का जादू तो किसी को भी पछाड़ सकता है। मैं नीलम का खाना तो टू गुड है, हम तो जानते थे नीलम विल विन। नीलम, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। अब ऐसा करते हैं कि इंद्रानी जी को फोन कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि पेपर्स तैयार कर। अब घर को बिकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नीलम दीदी, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं, अब यहाँ हैं। देखिए हमें क्या मिला, फैमिली एल्बम। इसमें पूरा परिवार है,
सबकी बहुत प्यारी तस्वीरें हैं। शादी, त्योहार, बर्थडे, इन सब के अलावा भी एक दूसरे के साथ बिताए हुए सारे लम्हों की खूबसूरत यादें। हमने सोचा ये फोटोग्राफ सबको सौंप दे ताकि इन्हीं के सहारे सब एक दूसरे को कम से कम याद तो रख सकें। देखिए ना, अरे ये फोटोग्राफ देखिए, ये आपके गृह प्रवेश की है ना, ये तस्वीर तो आप जरूर लेके जाएंगी। हाँ, और ये भी लेकर जाइएगा, ये आपकी पहली सालगिरह है ना, इसमें भी पूरा परिवार साथ में है, कितना अच्छा लग रहा है। तुम ये सारी की सारी फोटोज दिखाकर क्या साबित करना चाहती हो सोना? तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम इस घर को एकजुट रखने में हार चुकी हो? अपनी हार क्यों नहीं मान लेती तुम? अब ये सब करने से कुछ नहीं कर पाओगी, हटो, हमें जाने दो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वाकई में हम हार गए, पर क्या ये हार सिर्फ हमारी है, आपकी नहीं? अगर सही मायने में देखेंगे तो जीती तो आप भी नहीं है दीदी। जब आप इस घर में बहू बनकर आई थी तब आपने वादा किया होगा ना कि इस घर को अपना समझेंगी। आज आपने वो सारे वादे झूठे साबित कर दिए। यही वादा किया था ना आपने, आप सबको जोड़ के रखेंगी, बांधे रखेंगी। भी कोई मुसीबत आएगी तो सब उस मुसीबत का सामना मिलकर करेंगे। आपकी माँ ने भी आपको यही समझाया था, हमारी दादी ने भी हमें यही सिखाया था, और आज आपने वो सारे वादे भुलाकर इस घर को जोड़े रखने के बजाय तोड़ दिया। सोना,